बहनों की सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमेशा वी टॉक ऑफ सेल्फ डिफेंस, लेकिन आई वुड लाइक टू गो स्टेप अहेड। सेल्फ डिफेंस से पहले आता है मेंटल ड्रिल। मेंटल ड्रिल का मतलब ये है कि हम सामने वाले को फिजिकल के बिना मेंटली कैसे ओवरपावर करके हम उससे क्या करें ताकि उसको लगे कि नहीं हमें वो हमें छेड़े नहीं या हमें वो टच नहीं करे। और उसके लिए एक मेंटल ड्रिल इज अ वेरी सिंपल थिंग जो मेंटल दिया है। इट इज नथिंग टू डू विद हैंड बट यस इट इज टू डू विद योर वॉइस। आपका आवाज स्ट्रांग होना चाहिए, आपका बॉडी एक्शन एग्रेसिव होना चाहिए और आपका जो स्टांस है जो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप ये सब करोगे तो आपको सामने वाला यू विल बी एबल टू ओवरपावर देम। आपको नॉर्मली बता दूं कि तीन टाइप के परपेट्रेटर्स, परपेट्रेटर्स का मतलब अपराधी होते हैं। तीन टाइप के क्या होता है? पहला अपराधी ऐसा होता है कि जो 85% ऐसे अपराधी मिलते हैं आपको कि जो किसी लड़की को ऐसे ही छेड़ना चाहते हैं। अब छेड़ना क्यों चाहते हैं? फिर टाइम पास करना है, मजाक करनी है, उसको लगता है कि लड़की को छेड़ेंगे तो ही गेट सम सब सब स्टैटिस्टिकल प्लेजर आता है। एक अपराधी वो होता है। दूसरे टाइप का अपराधी क्या होता है कि जिसने इस तरह लड़कियों को छेड़ा होता है, बेचारी लड़कियां डर जाती है, सब सब वो हो जाती है तो उसको पावर आती है कि उसको एकदम खुश होता है कि मैं लड़कियों को डरा सकता हूँ। ऐसे 10% अपराधी होते हैं। और तीसरा जो 5% होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जब जिसका एजेंडा होता है कि मेरे को इसको हैरानी करना है, इसको परेशानी करना है, या ऐसे लोग होते हैं जो यू इन एन एब्रेवेटेड स्टेट यानी कोई पिघला पिघला होता है उस टाइप के होते हैं। तो जब हम इन तीन टाइप के अपराधी की बात करते हैं तो हमें उन्हें मेंटली कैसे ओवरकम करना है उसकी याद में आपको टैक्टिक्स बताऊंगी कि इस टैक्टिक्स आप यूज करोगे, यू रिक्वायर टू प्रैक्टिस दैट, तो आप खुद को कैसे बचा सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले ये बता दूं कि जब भी हम लोग चलें, लेडीज को आदत होती है कहीं भी चलती है, रास्ते पे चलती है तो कहीं फोन पे होती है, पर्स के साथ खेलती है, अल्टीमेटली अगर आप ये कर रहे हो तो सामने वाला अगर आपको फोन के साथ खेलना है, पर्स के साथ खेलना है, आप घर पे खेलो। अब ये जमाना नहीं रहा कि आप रास्ते में ये सब खेलोगे, क्योंकि जब आप खेलते हो तो सामने वाला आपको वल्नरेबल टारगेट मिलता है, यानी ये लगता है कि ना ये लड़की अपनी दुनिया में ला उसको कुछ छेड़ा छेड़ा छाड़ी करे। इसलिए मुझे आपसे कहना है कि अभी करना बंद करो। हम जब चलते होते हैं या लॉट ऑफ पीपल लुक एट अस, हम सोचते हैं वो खराब ही है, इनफैक्ट वी शुड बी प्राउड, वी शुड फ्लॉन्ट आवर फेमिनिटी, लेकिन हमें इस तरह चलना चाहिए हेड एंड हाई, लोगों की आंखों से आंखों मिला के ताकि वो हमें रिस्पेक्टफुल दिखे। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है, मान लो आप कहीं सुनसान रास्ते पे जा रहे हो। अब हमारी जो वुमेन इंस्टिंक्ट है वो तो होती है, हर लड़की में ये वुमेन इंस्टिंक्ट होती है। जब आप कहीं जा रहे हो और मान लो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपको पीछा कर रहा है, नॉर्मल केस में आप क्या करोगे? नॉर्मल केस में ऑब्वियसली आपको कोई पीछा कर रहा है तो फर्स्ट क्या करेगा कि चलो मैं भागूं। नहीं, अब ये ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप भागोगे तो पीछे जो आपका पीछा करता है वो आपके साथ और आपसे डबल तेजी में भाग के आपको पकड़ सकता है, वो समझ जाएगा कि आप उससे डर गए। सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप देखते हो अगर आपके पीछे कुत्ता आता है तो आप भागते हो तो कुत्ता कुत्ता फास्ट जाके आपको पकड़ देता है। इसलिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपके पीछे इस तरह आ रहा है तो आपको रुकना है, उंडी सांस लेनी है, बोल बोलना है, एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, एग्रेसिव स्टांस, जोर से आवाज निकालनी है। क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग आवाज होनी चाहिए, अंदर से आवाज होनी चाहिए ताकि सामने वाला आपका यही आवाज से डर जाए। आपकी आंखों के हाव भाव एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए। जब आप ऐसा करोगे 85% चांसेस है कि सामने वाला सोचेगा कि नहीं ये लड़की मेंटली स्ट्रॉन्ग है, एकदम कॉन्फिडेंट है, वो आपको नहीं छेड़ेगा और चला जाएगा। अब मान लो कि वो मैंने कहा सेकंड टाइप का परपेट्रेटर है, वो कहता है कि नहीं मेरे को तो इसको छेड़ना ही है, लेट अस ट्राई, तो वो और आपको शायद हो सकता है बोलेगा कि मैं आप मेरे आगे चल रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ आड़ा और आपको जवाब दे दो। तो अभी भी आपको डरना नहीं है, भले दिल में धक धक होता हो लेकिन डरना नहीं है। अब आपको पीछे नहीं जाना है, आगे एक स्टेप लेके और एक स्टेप लेके ठीक है तू आगे चल। आपके आवाज में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, दम होना चाहिए, आपका आवाज बुलंद होना चाहिए। आप अगर ऐसे बोलोगे तो 10% चांसेस है कि वो आदमी सोचेगा कि नहीं ये लड़की को छेड़ने लायक नहीं है और वो वहां से चला जाएगा और आप खुद को बचा पाओगे। तीसरा पॉइंट, और जब भी आप ये बोलो मैं वापस बोलती हूँ स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलो, पक्का सुन जाइए, पक्का क्या चाहिए, ऐसा नहीं बोलने का है, स्ट्रांग नहीं बोलना। अब तीसरे टाइप के आदमी होंगे जो जिसने सोच ही लिया आपको परेशान करना, तो अब आपको क्या करना है, आपको हो सकता है वो आपको टच करने की कोशिश करे, तो मैं आपको सिंपल टैक्टिक्स बता दी। इतना याद रखना, सेल्फ डिफेंस इज अ स्किल, इट इज नथिंग टू डू कि आपको पावर इतना चाहिए, वो स्किल और स्पीड पे सेल्फ डिफेंस चलती है। आपको छोटी छोटी टैक्टिक्स है, सबसे पहले तो बट नेचुरल हमारे पैरों के पास वो क्या होती है, बॉब पिन होती है, तो आप उसको बॉब पिन ऐसे ऐसे करके घोप सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमारे ट्रेनर सिखाते हैं कि आपकी जो दो उंगलियां है उसको उसकी आंख में घोपा सकते हो, पोक कर सकते हो, और इसके लिए आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है।
जब भी आप सारी चीजें प्रैक्टिस करो, जोर, बुलंद आवाज, आंखों से आंखों मिलाना, एग्रेसिव से स्टैंड, मिरर के सामने घर में करो, प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब भी करो मम्मी को बताना प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जब बोलोगे क्या चाहिए तो मम्मी पूछेगी भाई जो चलता है लेके जा, इसलिए यू हैव टू प्रैक्टिस इट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब वो आपको टच कर रहा है आप ही आंधी गोपा गोपा रहे हो तो वो कर रहे हो उसकी आंख में। और साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी प्रैक्टिस के लिए घर पे आप तकिया पे दो ऐसे काले डॉट्स करके आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। रिमेंबर वन थिंग, दिस इज अगेन अ स्किल, पावर नहीं चाहिए, स्पीड चाहिए, इट शुड बी स्पीडी। सेकंड, अब मैं आपको बहुत अच्छा स्टेप सिखा रही हूँ जो बहुत इजी स्टेप है और आपको ये लाइफ टाइम याद रखना है। ये स्टेप है पाम एल्बो हिप, पाम एल्बो हिप। पाम का मतलब ये कि सामने वाले को आपको अगर आपको टच करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी चिन पे, दाढ़ी पे या उसके नाक पे ऐसे करके पाम से आप उसको मार सकते हो। अगेन इट इज स्किल, स्पीड लेनी है आपको, पावर यूज नहीं करना है। तो हुआ पाम, दूसरा हुआ एल्बो। एल्बो का मतलब आप उसके पेट में मार सकते हो या थ्रोट पे मार सकते हो, गले में मार सकते हो। तो दूसरे में आपने उसको एल्बो पेट में मारा या गले में मारा, एल्बोस हर किसी के स्ट्रॉन्ग होते हैं। तीसरी बात कि अगर आपको उसको हील्स, हमारे सबकी हील्स होती है बहनों की, तो उसको हील्स या अपनी ये टोस, उसको आइदर आप उसको पेट में मारो, नीस पे मारो, मिडल में मारो, जोर से ऐसे मारिए। आई अगेन रिपीट, इट हैज टू बी स्पीड, नथिंग टू डू विद पावर, पावर स्पीड के कारण अपने आप आ जाएगा। जब भी आप इतना करोगे बट नेचुरली सामने वाला गिर जाएगा। गिरने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वो गिर जाता है तो आपको खुश नहीं रहेगा, हाँ मैं जीत गई जीत गई, क्योंकि फिजिकली बायोलॉजिकली हम लोग कभी भी नॉर्मल बहने कभी भी किसी मेल को बायोलॉजिकली हम उसको डिफीट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही वो गिर जाता है हमें वहां से भागना है, और क्योंकि हमें टाइम मिलेगा क्योंकि वो गिर रहा है, संभलेगा तब तक हम भागेंगे, तो हमें कुछ मिनट्स मिलेगी भागने के लिए। जब हम भागेंगे अब आपको याद रखना है कि भागते वक्त आपको चिल्लाना है, क्या बचाओ बचाओ, जोर जोर से चिल्लाना है। इसका मतलब ये हो रहा है, मैं क्यों बोल रही चिल्लाने, भले आपको पता है सामने कोई नहीं है लेकिन चिल्लाने का फायदा क्या है कि वो जो परपेट्रेटर है अपराधी वो डर जाएगा कि कोई आ जाएगा तो, और इसीलिए वो क्या करेगा, वो उठ के दूसरे डायरेक्शन में भागेगा और आप अपने आप को बचा सकोगे। ये एक चीज सिखाई मिला। दूसरी छोटी सी चीज खास मेरी बहनों के लिए जो बस में ट्रेवल करती है, जब भी आप बस में ट्रेवल करते हो आई अंडरस्टैंड धक्का होता है, मुक्की होती है, आपको इतना करना है कि अगली बार जब बस में ट्रेवल करो तो मान लो एक बार इस तरह वो पकड़ रहे हो तो दूसरा हाथ आपको यहाँ पे रखना है ताकि कोई आपको इधर छेड़ ना सके, या यहाँ हो तो दूसरा हाथ यहाँ रखना ताकि आपका यह हो कोई कुछ कोशिश कर तो आपसे टक्कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बात है। और फाइनली मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप ये स्किल रोज प्रैक्टिस करो, और आज के बाद कभी आपके साथ हो या किसी और आपकी बहन के साथ हो तो भी आप उसको हेल्प कर सकते हो, ये आपकी फर्ज है। और फाइनल ये बात एक और बोलूंगी कि आज के बाद आपके साथ कहीं भी कोई पब्लिक प्लेस में छेड़ा करे, टच करे, तो आपको चिल्लाना है, ए क्या कर रहा है। ये चिल्लाने का फायदा है क्योंकि आप गलत नहीं हो, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप चिल्लाओगे मैं गारंटी से कहती हूँ कि जो दूसरे लोग वहां पे खड़े हुए हैं वो आपको बचाने आएंगे, आपको हेल्प करने आएंगे, और सामने वालों को दो चार टपलाबाजी चालू हो जाएगी। जब तक आप ये नहीं करोगे वो जो आपको हैरान करता है वो किसी और लड़की को हैरान करेगा, और इस तरह की कथा चलती जाएगी। तो आज आपको आपको आवाज उठानी है और इसको स्टॉप करना है। मुझे यही कहना है जो हमेशा हम कहते हैं, और अगली आप फाइनली 1091 तो है ही, जो कहते हैं 1091 फाइट बैक राइट नाउ, और हमारा जो वज्रो फोर्स फाउंडेशन है उसमें हम हमें कहते हैं वज्रो फोर्स, आई एम द फोर्स।